नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल आवर बीबीएसटी डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको इसके पहले मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में अच्छी तरीके से सारे मैटर्स को क्लियर किए गए, सारे टॉपिक को क्लियर किए गए, आपको पीडीएफ भेजा गया, आपको वीडियो भेजे गए। मैं आशा करता हूं कि आप सबने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, उसकी नोट्स बनाई होगी और अपने भविष्य के एग्जाम की तैयारी के लिए अच्छे से जुड़े हुए होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के चैप्टर की। आज के चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग वैसे भी क्लास 10th में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, यहां पर 12th में हम उसी टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग एसी भी कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम अल्टरनेटिंग करंट आने से पहले कुछ डीसी करंट पर चर्चा कर लें। कुछ बातें आपको वहां समझनी जरूरी है ताकि आपको अल्टरनेटिंग करंट और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंसेस कुछ है, जरूरी है जाननी है आपको। डायरेक्ट करंट हमने क्या माना था? डायरेक्ट करंट। अब इस डायरेक्ट करंट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूनिडायरेक्शनल, कि हमारी जो डायरेक्ट करंट होती है, ये जो हमारी डायरेक्ट करंट है, ये यूनिडायरेक्शनल करंट होती है। ओके, कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में ही चलती है। टी एंड टाइम के उसके रिलेटेड। दूसरी हमारी जो है उसकी फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, द करंट ऑल्सो फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके बच्चों, तो दो चीजें हमको डायरेक्ट करंट के बारे में अच्छे से मिल रही है, अच्छे से पता हो रही है, वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है और फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि एक ही डायरेक्शन में करंट क्या हो सकती है? फ्लो हो सकती है। कैसी डिवाइस में? जो डिवाइस हमारी डायरेक्ट करंट पर क्या करती हो, मिलती हो। ओके, डीसी सोर्स को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, ये उसके ग्राफिकल कंडीशन को दिखाने के लिए, उसकी डिवाइसेस एक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो होता है वो हमारी डीसी रिसोर्सेज इसी तरीके से दिखाई जाती है। डीसी सोर्सेस। ओके, तो एक चीज क्लियर हुई यहां पर, वो क्या है बच्चों? वो ये है कि डायरेक्ट करंट इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, एंड डीसी सोर्सेस का साइन ऑफ दिस डायरेक्ट करंट की जो सोर्सेस होती है, डीसी सोर्सेस की जो साइन होती है वो यही बताई जाती है। क्लियर? कुछ हम इसके ग्राफिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ग्राफिकल एग्जांपल। यहां पर ग्राफिकल से कहने का मतलब इसे हम चाहते हैं, फिर से लिखते हैं, ग्राफिकल मेथड एग्जांपल। जो हमने बताया कि डीसी इज द यूनिडायरेक्शनल, आप उनको ग्राफ पर किस तरीके से दिखा सकते हो, फ्लोइंग ओनली वन डायरेक्शन किस तरीके से आप उनको बता सकते हो। इसके लिए
आप देखें, आपको ग्राफ प्लॉट करनी पड़ेगी टाइम एंड आई के बीच में, टाइम एंड आई के बीच में। तो व्हेन द ग्राफ ऑफ दिस विल बी गेट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इट कैन इट फॉर्म्स लाइक अ यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शन। ओके, यहां पर आपको जो ग्राफ के मेथड्स के थ्रू आपको दिखाया दिखा रहा है वो आपको ये दिखा रहा है इन यूनिडायरेक्शन, वो किसी भी कंडीशन में आप इसको टी और आई के बीच में आप बना करके देखेंगे तो वो आपको अभी अपसाइड है तो पॉजिटिव होगा। ओके, थोड़ा सा नीचे होगी तो नेगेटिव होगी। तो इट इज अ एग्जांपल, ग्राफिकल एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट के कुछ ग्राफिकल एग्जांपल थे जिसमें आपको करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन विद द टाइम वेरिएशन, जो टाइम के एक हिसाब से जो ग्राफ पर आपको यूनिट डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन में ही शो हो रही। अब हम लोग आते हैं अल्टरनेट करंट। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट हेडिंग डाली आप सब, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। वो वन डायरेक्शन में थी, ये क्या करती है डायरेक्शन चेंज करती है, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डीसी करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। The DC current is flowing one direction, but alternating current which changes its direction. Okay, इसके example हम ले लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मींस उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, दिस इज आई, दिस इज टी, दिस इज द चेंज ऑफ डायरेक्शन इन अल्टरनेटिंग करंट। Now, there is also a graph. आप बनाए आराम से, समझा देता हूं। 2 एम्पियर, ये भी इसके ग्राफिकल मॉडल। सब इस तीनों एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, पहले ये हो गया उसके कुछ एग्जांपल हो गए, इसकी दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको हम लोग जैसे डीसी रिसोर्स में हम लोग उसे इस तरीके से दिखाते थे, यहां पर इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एसी सोर्स। डायरेक्शन हम नहीं शो कर सकते क्योंकि डायरेक्शन इसकी
एप्लीकेशन के हिसाब से होगी, वो एप्लीकेशन उसको बताएगा, इसलिए यहां डायरेक्शन हम लोग नहीं सो कर सकते। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोगों ने इजीली समझा। अल्टरनेटिंग करंट द विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड आई हैव शोन यू द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द ग्राफिकल एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड that AC sources can be represented by this sign, but don't show the direction of the current by yourself. It is set in question. Okay? Now, the next topic is average value. देखिए, हम लोग पहले से जानते हैं हमें इंस्टेंटेनियस करंट के कितना हो, तो हम इस तरीके से शो करते हैं, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। और अगर हमको एवरेज बताना हो तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टोटल क्यू, लेकिन यहां तो डी क्यू है, हमें टोटल क्यू यहां पे एवरेज के, तो थोड़ा सा आप यहां पर एक मैथमेटिकल पार्ट देख लेंगे, उस मैथमेटिकल पार्ट से आपको इजीली ये क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बच्चों। तो इंस्टेंटेनियस जो आपकी करंट होती है, एंड दिस इज ओके, इसे अच्छे से आप क्या करें, नोट करें। हम इस फॉर्मेट में थोड़ा सा विचार करते हैं, अगर हम देखें आराम से, आप आई बराबर डी क्यू डी टी। ओके, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। ओके, आप यहां देख रहे हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, आप बस इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ डी क्यू इंटीग्रेट आप कर रहे हैं इसको, तो डी क्यू विल बी क्यू टोटल चार्ज एंड आई डी टी। तो आप यहां पर क्यू की जगह आई डी टी रख सकते हैं, तो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन टी। आई डी टी, और आप इसे भी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं डी टी, ये टोटल टाइम टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज को आपने यही निकाला है यहां पर, तो टोटल चार्ज के तौर पर इसके बना सकते हैं। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, विच इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पर डिपेंड करती हो तो उसकी एवरेज ऐसी ही निकाली जाएगी। इस अच्छी तरीके से आप क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पर डिपेंड करती हो, सपोज दैट हम लोग वाई क्वांटिटी ले लेते हैं, सपोज दैट हम क्या लेते हैं y क्वांटिटी, इंटीग्रेशन y dt टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल टू वाई एवरेज। हमें जिस भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो टाइम पर क्या करती है, डिपेंड करती है, उसे हम क्या नाम है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसका फंक्शन फॉर्मेट आप इस तरीके से बोल सकते हैं, क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन द टाइम, जो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। ओके, हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो कुछ इसके न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया। अल्टरनेटिंग करंट वो उसका जिसका डायरेक्शन क्या होती है, वो जो सेम नहीं होती है, चेंज करती रहती है, और डीसी में क्या होता है,
विच हैव ओनली वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में क्या होती होती है। आशा करता हूं बेटा आपको अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के बीच का डिफरेंस, साथ में जो आपके उसके ग्राफिकल जो एग्जांपल थे आप बुक में इसका जरूर आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।